अस्सलाम वालेकुम सैयद साजिद हुसैन शाह, बहरिया टाउन कराची में इस वक्त मौजूद हूँ। 272 स्क्वायर यार्ड्स का एलीट क्लास के लिए मैं विला लेकर आ चुका हूँ, जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर आने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप 272 स्क्वायर यार्ड्स के बहरिया टाउन कराची के विला में मौजूद हो, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि विलास जो हैं वो बिल्कुल कॉमन एक जैसे ही बनाए हुए हैं। तो आज की वीडियो में आप एक इंतहाई खूबसूरत फुली फर्निश्ड विला बहरिया टाउन कराची के प्रीसेंट 8 में देखने वाले हैं। इस विला को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको पता चल सके कि इस विला को कितना खूबसूरत बना आया गया है, और मुकम्मल सामान के साथ आपको यह विला मिल जाता है। मैं किचन में इसलिए मौजूद हूं क्योंकि भाई साहब किचन को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। बेडरूम्स में क्वालिटी फर्नीचर्स आपको मिल जाते हैं, उसके अलावा पूरे के पूरे विला को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फर्निश्ड किया गया है। तो बगैर किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह के खूबसूरत तरीन विलास आपको देखने को मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आ जाए मेरे साथ, जैसे ही आप विला के अंदर आएंगे जो सबसे खूबसूरत चीज है, आपके मेहमानों के लिए सेपरेट डोर आपको मिल जाता है, जिसमें सॉलिड वुडन के डोर्स आपको इस पूरे के पूरे विला में मिल जाएंगे। अंदर आ जाएं, इस डोर से जैसे ही आप अंदर आएंगे आपने यहां से दिखा देना है, पूरा एक व्यू आपने दिखा देना है आपके जो ड्राइंग रूम का। बिल्कुल एंट्रेंस के साथ आपको ये इंतहाई वाइड ड्राइंग रूम स्पेस मिल जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपको और क्वालिटी फर्नीचर मिल जाता है। जितने भी सोफाज हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और साथ साथ यहां पे वॉल्स के ऊपर आपको यहां पे टेक्सचर पेंट मिल जाएगा इस विला के अंदर। यहां पर दिखाएं, मीडिया वॉल आपको यहां पर बना के दी गई है, इंतहाई खूबसूरत। ये भी आप दिखा दें, थोड़ा सा आपने जूम इन करके दिखा देना है इस मीडिया वॉल को कितना खूबसूरत करके बनाया गया है। साथ साथ यहां पे आपको एलईडी मिल जाएगा, और यहां पर आपको ये जो सेटअप है बना के दिया गया है ताकि अगर कोई भी चीजें यहां पर आपने रखनी हो तो। साथ साथ इंतहाई खूबसूरत आपको यहां पर शैंडिलियर भी मिल जाता है, और सीलिंग आपने दिखा देनी है। सीलिंग में भी आपको टेक्सचर पेंट करके दिया गया है, वॉल लाइट्स आपने दिखा देनी है, इंतहाई खूबसूरत आपको इस विला के अंदर मिलती हैं। और साथ साथ यहां पर कर्टन्स भी लगाकर आपको दे दिए गए हैं। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि ये जो फर्नीचर आपको इस विला के अंदर मिलता है, इसकी क्वालिटी अगेन मैं बोलूंगा कि बहुत ही जबरदस्त आपको मिलने वाली है। यहां पर आपको जो टेबल है वो भी मिल जाएंगी, और यहां पर आप देख सकते हैं ये सीटर भी आपके गेस्ट के लिए यहां पर रखा गया है। और साथ साथ आपने थोड़ा पीछे से दिखा देना है, आपको यहां पर वुडन टेक्सचर्स में टाइल्स भी इस विला के अंदर मिल जाती हैं। साथ साथ पूरी जो वॉल्स हैं घर के अंदर उसके ऊपर यहां पे आपको टेक्सचर पेंट मिल जाएगा इस विला के अंदर। तो ड्राइंग रूम से बिल्कुल सामने आप यहां पर आ जाते हैं। यहां पर एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां से आपने दिखा देना है विला के अंदर 2x4 की खूबसूरत टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ आप यहां पर दिखा दें, ये आ गया आपका लिविंग एरिया जहां पर आपको ये खूबसूरत शैंडलियर मिल जाता है। और साथ साथ अगर इस सीलिंग वर्क की मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको टेक्सचर पेंट मिल जाता है। वहां से आप दिखा दें, इस वॉल को आपने दिखा देना है जिसमें ऊपर ग्लास आपको मिल जाता है स्काई लाइट के लिए, और साथ साथ इस वॉल पे भी टेक्सचर पेंट के साथ साथ ये मिरर इंस्टॉल्ड किया गया है इस जगह को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए। और इसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं एक मिरर आपको मिल जाएगा, साथ साथ इस वॉल को भी डिजाइन किया गया है। एक बेडरूम आपको यहां पर मिलता है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि यहां से आपने ये दिखा देना है, ये इस विला की मेन एंट्रेंस आपको मिल जाती है। साथ साथ अंडर दी स्टेयर्स ये दिखा दें भाई, अंडर दी स्टेयर्स आपको यहां पे पाउडर वॉशरूम भी मिल जाता है। इस वॉल को भी डिजाइन किया गया है ताकि मुख्तलिफ चीजें यहां पे प्लांट्स वगैरह आर्टिफिशियल प्लांट्स रख के इस जगह को आप मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। थोड़ा सा पीछे से दिखा दें, एंट्रेंस के ऊपर ये वाला सीलिंग वर्क आप दिखा दें जो कि इंतहाई खूबसूरत लगने वाला है इस विला के अंदर। स्टेयर्स आपको कनेक्ट करेंगी, और साथ साथ ये आप स्टील दिखा दें, ये भी एक अच्छी क्वालिटी की इस विला के
अंदर आपको मिल जाती है। स्टेयर्स आपको कनेक्ट करती हैं फर्स्ट फ्लोर के साथ और इस एरिया को भी खूबसूरत बनाने की भरपूर कोशिश की गई है। यहां पर भी टेक्सचर पेंट आपको मिल जाएगा, साथ साथ फर्स्ट फ्लोर पे बाद में आपको लेके जाएंगे, उससे पहले आपको लेकर आ जाते हैं इस विला की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो है किचन। किचन में यहां पर आपको किचन आयरलैंड मिल जाता है, साथ साथ ये खूबसूरत लाइट्स आपको मिल रही है, सीलिंग वर्क आपको यहां पर मिल जाता है। इस विला की एक खास बात यह है कि इसमें आपको इंतहाई खूबसूरत डर्टी किचन भी मिल जाता है, बाद में हम जाएंगे, उससे पहले आप आ जाते हैं यहां पर एक्सपर्ट की आपको यहां पर जो एसेसरीज हैं वो मिल जाती हैं। और उसके साथ साथ ये आप देखें स्टोव चिमनी दोनों चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं, और जो काम की चीजें जो मैंने आपको दिखानी है ये आपने दिखाना है। इसमें आपको जो शीट्स हैं उसमें यहां पे ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, ये ऊपर ग्लास है मतलब कोई शीट्स नहीं है। लोग क्या करते हैं यहां पे शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। और साथ साथ यहां पर आपको एक्सपर्ट के ही ओवन वगैरह भी इंस्टॉल करके दिए गए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये चेक करें भाई, एक्सपर्ट एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। और उसके साथ साथ यहां पर इस किचन को खूबसूरत बनाने के लिए सीलिंग वर्क भी आपको मिल जाता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा मैं चाह रहा हूं कि आपने यहां पर बहुत ही बारीकी के साथ सारी चीजों को देख लेना है, क्योंकि इस लेवल का विला बहरिया टाउन कराची में आपको नहीं मिलेगा। यहां पर आ जाते हैं, डोर आपको मिल जाता है, डर्टी किचन की तरफ हम चलते हैं और सॉलिड वुडन का इस्तेमाल यहां पर भी आपको मिल जाएगा। यहां पर आ जाएं भाई, तो यहां पर भी स्टोव चिमनी आपको मिल जाता है, साथ साथ एक जो मजे की चीज है वो ये है कि डॉलिंस का आपको यहां पर वॉशिंग मशीन भी मिल जाती है, वॉशिंग एरिया यहां पर आपको मिल जाता है, कैबिनेट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, सीलिंग वर्क यहां पर भी आपको मिल रहा है जिसमें टेक्सचर पेंट आपको यहां पर फिनिश करके दिया गया है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, मास्टर बेडरूम की तरफ हम चलते हैं जिसको बहुत ज्यादा खूबसूरत करके डिजाइन करके आपको दे दिया गया है। यहां से आपने दिखा देना है पूरा मास्टर बेडरूम आप दिखा दें भाई। यहां पे आपको बेड भी मिल रहा है, साथ साथ ये कुशनिंग आप चेक करें भाई, बैक साइड के ऊपर जो ये फीचर्ड वॉल आपको डिजाइन करके दी गई है, और आप सीलिंग वर्क देखें, टेक्सचर पेंट आपको यहां पर मिल रहा है भाई, आपको एसी ग्री का एसी भी यहां पर मिल जाता है, ड्रेसिंग सेटअप इस तरफ आपको मिल रहा है भाई, और कर्टन्स वॉल लाइट्स आप चेक करें इंतहाई खूबसूरत आपको यहां पर मिल जाती हैं। और उसके बाद आप आ जाते हैं वार्डरोब एरिया में, यहां पर आपको वार्डरोब्स भी बनाकर दे दी गई हैं, दोनों तरफ आपको वार्डरोब्स मिल जाती हैं, सीलिंग वर्क यहां पर भी आपको मिल रहा है, और वॉशरूम आप दिखाएं भाई साहब, टाइल्स आप दिखाएं, यहां पर आपके टाइल्स चेंज हो जाती हैं, सामने वैनिटी सेटअप वैनिटी मिरर आपको यहां पर मिल जाता है, और टाइल्स का बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से ख्याल रखा गया। और इस तरफ अगर आप आ जाते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है कमोड, और इसके साथ आपको यहां पर कंसील्ड वाटर टैंक भी मिल जाता है। अच्छा एक चीज आपने वहां से दिखा देनी है, ये आ गया आपका शावर केबिन, शावर केबिन के अंदर आ जाएं भाई, यहां पर आ जाएं, यहां पर कंसील्ड आपको ये सारा सेटअप मिल रहा है जिसमें ये शावर और ये जो जितनी भी चीजें कंसील्ड आपको यहां पर मिल जाती हैं। यहां से भाई दिखा दें आप, ताकि एक एक चीज जो है वो वीडियो के अंदर क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह का विला अगर आप अपने लिए भी डिजाइन करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप ऐसी ही ख्वाहिश रखेंगे कि आपको यहां पर विला इस तरह का ही मिलना चाहिए। यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, पूरा बेडरूम का एक व्यू निकलते हुए आपने दिखा देना है, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और दिखाते हैं आपको कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या कुछ मिलने वाला है। जी तो स्टेयर से जैसे ही आप आते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो यहां पर आपको स्काईलाइट के लिए ये स्पेस मिल जाती है, सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं जिसमें आपको ये टेक्सचर पेंट मिल जाता है, इस वॉल को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो यहां पर आपके टेरेस की एक्सेस रखी गई है, सॉलिड वुडन में आपको डोर्स मिल जाते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर, आपको यहां पे मास्टर बेडरूम दो बनाकर दिए गए हैं भाई, एक आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा, एक आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा। यहां पे ये खूबसूरत आपको मिल जाएगा बेड, और उसके साथ साथ इस फीचर्ड वॉल को आप देखें जिसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, साथ साथ कलर थीम के साथ ही आपको यहां पे जो सीलिंग वर्क है वो भी मिल जाता है, कर्टन्स आपको मिल जाते हैं, मीडिया वॉल इंतहाई खूबसूरत, इसमें ये आप जो है वो कुशनिंग चेक करें भाई, क्या खूबसूरत आपको मिल रही है। साथ साथ पूरे के पूरे विला में ये पेंट आप दिखाएं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा जूम करके आपने दिखाना है। यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं, ये आपको मिल जाएगी, यहां से दिखा दें, ये ड्रेसिंग सेटअप भी आपको यहां पर मिल जाएगा भाई साहब। और यहां से आगे बढ़ते हैं, वॉशरूम दिखा दें भाई,
इसका वॉशरूम बिल्कुल डिफरेंट करके बनाया गया है, वार्डरोब वॉशरूम के अंदर रखी गई है। ये आप दिखाएं भाई, हैंगिंग कमोड आपको मिल रहा है, साथ साथ ये कंसील्ड वाटर टैंक के साथ आपको मिल जाएगा। और आपने ये टाइल्स दिखानी है इंतहाई खूबसूरत, और साथ साथ ये वैनिटी सेटअप भी दिखा दें भाई। वैनिटी सेटअप इस तरफ होता है भाई, कंसील्ड आपको शावर सेटअप मिलता है। मैं कहां बोल रहा हूं, कैमरामैन साहब कहां जा रहे हैं, ये वैनिटी सेटअप दिखा दें और यहां पर आ जाएं भाई, ये चेक करें, आपको यहां पे वार्डरोब भी मिल जाती है और साथ साथ शावर सेटअप। अब आप दिखा दें भाई, शावर सेटअप देख लें, शावर सेटअप दिखाएं, कंसील्ड आपको यहां पर शावर सेटअप मिल रहा है पूरे के पूरे विला के अंदर भाई, 272 स्क्वायर यार्ड्स में। यकीनन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस तरह का विला नहीं देखा होगा। यहां पर आ जाएं, आपको एक मिनी किचन बनाकर दिया गया है, आपकी मर्जी है कि इसको आप चेंज करके कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन डिजाइन किया गया है मिनी किचन। यहां पर आ जाते हैं भाई, लाउंज नंबर 2 में मीडिया वॉल अगेन आपको मिल जाती है, साथ साथ यहां पर एक खूबसूरत हैंगिंग लाइट भी आपको मिल जाएगी। सीलिंग वर्क पूरे के पूरे विला के अंदर आपको मिल जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड लास्ट बेडरूम में, यहां पर आ जाएं भाई, यहां पर भी आपको ये बेड मिल जाता है, साथ साथ कर्टन्स मिल जाते हैं विला में। अच्छा, ये कोई वॉलपेपर्स नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये आपको टेक्सचर पेंट मिल रहा है। सीलिंग वर्क आपको यहां पर मिल जाता है। यहां पर आ जाएं, इस तरफ आपने दिखा देना है, यहां पर आपको वार्डरोब मिल जाएगी और साथ साथ आपको यहां पर वॉशरूम में आप दिखाएं भाई, बिल्कुल डिफरेंट कलर थीम के साथ ये टाइल्स मिल रही हैं भाई। कमोड आपको मिल रहा है, वैनिटी सेटअप आप ये चेक करें, वैनिटी मिरर आपको यहां पर मिलता है। पूरे विला में आपको जितने भी वॉशरूम मिलते हैं, शावर सेटअप आप यहां पर भी दिखा दें, आपको कंसील्ड यहां पर मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप ये टाइल्स चेक करें, बिल्कुल डिफरेंट आपको मिल जाती है। यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा देते हैं लास्ट बेडरूम, यहां पर भी बिल्कुल डिफरेंट आपको फर्नीचर मिलने वाला है भाई। ये बेड चेक करें भाई, और उसके बाद बैक साइड पे ये वॉल टेक्सचर पेंट आपको मिलता है। सीलिंग वर्क यहां पर आके डिफरेंट हो जाता है, कर्टन्स आपको मिल रहे हैं भाई, और यहां पर आपको ये एक वार्डरोब भी मिल जाएगी। और उसके बाद ये वार्डरोब, और उसके बाद बिल्कुल सामने यहां से दिखा दें, ये आपको ड्रेसिंग सेटअप भी मिल रहा है। इसके साथ साथ वॉशरूम में आ जाएं भाई, ये लाइट ऑन कर देते हैं। अब यहां पर आने के बाद आप देखें, टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, वैनिटी सेटअप आपको डिफरेंट मिल जाता है। और उसके बाद आप यहां इस तरफ शावर एरिया की तरफ भी देखते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट टाइल्स के साथ आपको ये शावर एरिया भी मिल जाता है। तो भाई, भैरिया टाउन कराची के प्रीसेंट 8 में इस वक्त हम मौजूद थे। और उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं, इस विला के हवाले से आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं या इस विला की प्राइस के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। भाई, इस विला में जितनी भी चीजें आपने देखी हैं, सब की सारी आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। और दूसरी खास बात यह है कि विला को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। और एक और खास बात यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही जबरदस्त किस्म की गई है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं या इस विला को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मुझे दें आज की वीडियो से इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।